साक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्सलालयत्र च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ॐ श्रीगुरवे नमः। आप सभी का इस लाइव क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। आई होप जय यू श्री ऑल आर कृष्ण गुरु हैप्पी। जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुदीप जी बात कर रहे हैं? जी मैं कहाँ से हैं आप सुदीप जी? अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। अभी तो फिलहाल दिल्ली से हूँ। मेरा घर नेपाल है गुरु जी। अच्छा, आप नेपाल से हैं। जी अंकिता जी आप कहाँ से हो? जी मैं सूरत से हूँ। अच्छा, किरण जी आप कहाँ से हैं? आज ना हम लोगों की बेसिक की पहली क्लास है। स्टूडेंट काफी कम ज्वाइन किए हैं, वो कोई इशू नहीं है, वो लोग वीडियो जी देखेंगे। आज से हम लोग पढ़ना शुरू बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करेंगे। आप लोग कमर सीधे के रख बैठिए, ध्यान आज्ञा के चक्र में लगाइए और गायत्री मंत्र 11 बार।
योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वतस्य पितुर्वरेण्यं। अब हम लोग आज की कक्षा शुरू करेंगे। दो मिनट का समय दीजिए, आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहें। सभी के इस कक्षा में स्वागत। आज से हम लोगों की ऑफिशियल पहली कक्षा है, ध्यान में रखकर हम लोग इसको समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर न समझ में आए तो परेशान मत होइएगा, ज्योतिष की समझ जो है धीरे धीरे विकसित होगी। जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, और ये पूर्णतः अभ्यास पर निर्भर करता है। सबसे पहले जो हमें समझना है कि ज्योतिष वास्तव में है क्या, जो ज्योतिष हम लोग पढ़ेंगे इसमें उसमें क्या पढ़ेंगे, किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, और ये ज्योतिष जो हमें पढ़नी है इसका उद्देश्य क्या है। मुख्य बात उद्देश्य की होती है। कोई भी ज्ञान जो है उद्देश्य विहीन नहीं होता, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव। ज्योतिष का भी उद्देश्य है, ज्योतिष जो है वेद का नेत्र होता है। जिस तरह आपके शरीर में अगर आंख ना हो तो आप देख नहीं सकते, उसी तरह ज्योतिष भी जितने ज्ञान और विज्ञान है उसका नेत्र है। दूसरी बात, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और ईश। इसका तात्पर्य होता है परमात्मा का प्रकाश। तो ये एक प्रकाश है जो मनुष्य को सन्मार्ग में ले जाएगा। इस प्रकाश को पाकर के मानवीय चेतना जो है देवत्व की तरफ जाएगी, और जिस ज्योतिष का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उसमें हमारे पास क्या है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे इस तरह का एक बॉक्स बन जाता है, आप लोग भी अपने पेन और पेंसिल से बॉक्स बनाइए, दोनों डायगोनल को मिलाइए,
ये जो होता है इसमें 12 खाने और एक खाने को एक कहते हैं। जो आप किसी के जन्म कुंडली देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही होती है। ये पहला भाव, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, आठवां, ये नौवां भाव है, ये दस भाव, दसवां भाव है, ये ग्यारहवां है, ये बारहवां। तो कोई भी जन्म कुंडली जो बनी उसमें हमको अध्ययन करना है 12 भाव का। दूसरा, 12 भाव होते हैं तो 12 राशियां भी होती हैं। 12 राशि का अध्ययन करना है। ये राशियों का विभाजन नक्षत्रों में होता है, 27 नक्षत्रों का अध्ययन करना है। 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और हमारे पास 9 ग्रह हैं। इनका किसी जातक के जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है वही ज्योतिष के अंदर हम अध्ययन करते हैं। आप ऐसे कह सकते हो, जिसका आपको अध्ययन करना है ज्योतिष में, वो अध्ययन करना है 12 राशियों का, 12 भावों का, 27 नक्षत्रों का और 9 ग्रहों का। इनका किसी जातक के ऊपर जो प्रभाव पड़ता उसी का आपको अध्ययन करना है। और ये अध्ययन कर करके हम जो है एक निश्चित उद्देश्य की तरफ ले जाएंगे, उस जातक के जीवन को निश्चित उद्देश्य की तरफ ले जाएंगे, जिसको जिससे उसके जीवन में सफलता हो। अब सबसे पहला ये प्रश्न आ जाता है कि राशियां क्या है, ये कैसे बनती हैं? तो जो हमारा ब्रह्मांड होता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसको अगर आप इक्वली डिवाइड करो 12 भागों में, ये देखिए 12 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 0 to 30 ये पहला भाग हुआ, और ये इस पहले भाग को बोलते हैं मेष राशि, जो आकाश का क्षेत्र 0 से 30 के बीच में आता है वो मेष राशि हुआ। फिर 30 to 60 ये आपकी वृषभ राशि हुई, मेष को बोलते हैं एरीज। ये टॉरस है, ये दूसरे नंबर की राशि। तीसरी राशि जो बनती है उसको बोलते हैं मिथुन, ये 60 to 90 डिग्री होती है। 90 to 120 डिग्री कर्क राशि होती है। 120 to 150 वॉइस नहीं आ रही है, आप में से किसी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है गुरु जी, आ रही आ है रही है सर। नीरज जी को शायद आवाज नहीं आ रही? नीरज जी अपना उनका माइक अटैच माइक खराब करिए। हो। 120 to 150 होती है सिंह राशि, लियो, ये 5वें नंबर की राशि है। आपको राशि और उसके नंबर्स भी याद करने हैं। फिर कन्या राशि हमारे पास होती है, ये 6ठे नंबर की राशि है। कन्या के बाद आती है तुला, ये 7वीं राशि है। तुला के बाद वृश्चिक, 8वीं राशि। वृश्चिक के बाद धनु, ये 9वीं राशि है। धनु के बाद मकर मकर, ये 10वें नंबर की राशि। फिर कुंभ, 11वें नंबर की राशि। फिर जी, मीन, ये 12। तो हमारे पास कुल 12 राशियां हैं। ये जो 12 राशियां होती हैं इनके अपने अलग अलग गुण धर्म होते हैं, और ये 12 राशियां को अगर आपने समझ लिया तो अब कुंडली का प्रिडिक्शन आपका आधा हो गया। और इन राशियों को आपको नंबर्स के साथ समझना है, क्योंकि कुंडली में ये राशियां लिखी नहीं होती। जैसे
एक नंबर, ये जो राशि है ये मेष है, कुंडली में जहां एक लिखा होगा वो मेष समझेंगे आप, एरीज। दूसरा वृषभ, तीसरे नंबर की राशि मिथुन, चौथे नंबर की राशि कर्क, पांचवे नंबर की राशि सिंह, सातवें की तुला, आठवें नंबर की राशि वृश्चिक, नौवें नंबर की राशि धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। तो ये नंबर्स के साथ आपको अपने दिमाग में कि एक नंबर राशि जो है वो मेष राशि है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। कुंडली में जहां भी एक लिखा होगा इसका मतलब वो मेष राशि है। और हर राशि का जो है अपना एक तत्व होता है, हर राशि के पास। अगर आप राशियों को तत्व के आधार पर देखेंगे तो मेष राशि जो होती है अग्नि तत्व की, वृषभ पृथ्वी, मिथुन वायु और कर्क राशि जल तत्व की। फिर इसी तरह अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, फिर ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जल तो ये जो राशियों के तत्व होते हैं ये उस व्यक्ति के गुण धर्म बताएंगे। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व, इसका मतलब हुआ कि मेष राशि में फायर एलिमेंट ज्यादा। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की है, ऐसे लोग अस्थायित्व तो जीवन प्राप्त करते हैं। अग्नि तत्व का मतलब होता है इनके अंदर आक्रामकता बहुत होगी, ये आक्रामक होंगे। वहीं पृथ्वी तत्व के अच्छा लोग जो है धैर्यवान हो जाते हैं, और वायु तत्व का मतलब इनके अंदर कल्पनाशीलता बहुत होगी। और जल तत्व क्या बताएगा, ये अडॉप्टेबिलिटी इनके अंदर बहुत होगी। जैसे जल को किसी भी पदार्थ में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है। सो दीज पीपल आर अडॉप्टेबल। अब उसी तरह होता क्या है कि दिशाएं भी होती हैं। अब इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर देखिए, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आप एक से प्रारंभ करिए। एक नंबर वाली राशि अग्नि हो गई, दूसरी पृथ्वी की हो गई, तीसरी वायु की हो जाएगी, चौथी जल की हो जाएगी, फिर पांचवें नंबर अग्नि तत्व की, छठा नंबर पृथ्वी, सातवां वायु, आठवां जल, फिर नौवां अग्नि, दसवां पृथ्वी, 11वां वायु, 12वां जल। कितना अच्छा हो गया, आपको याद करने में सुविधा होगी। इस तरह अगर आप याद करेंगे, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। और राशियों के तत्व जो है हम लोगों को समझने चाहिए। बिना राशियों के तत्व के समझे अगर आप प्रिडिक्शन पार्ट में जाएंगे तो आपको सही समझ नहीं होगी। सौरभ जी, समझ में आ रहा है आपको? जी गुरु जी जी कहाँ से हैं सौरभ जी? मैं आप कहाँ से हो? फिलहाल तो अभी तो दिल्ली से हूँ सर अच्छा, जी। मेरा घर घर तो नेपाल है मेरा। अब इसमें एक बात और भी समझनी है कि राशियों की दिशा क्या क्या है, कौन सी राशि किस दिशा में है, का स्वामी है। तो उस वो बहुत आसान है समझना। जहां पे अग्नि है वो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है और उत्तर दिशा। उत्तर
होता क्या है कि ये राशियां अपनी अपनी दिशा में पावरफुल रहती हैं। सॉरी, अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं वो पूर्व दिशा की स्वामी होती हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां दक्षिण दिशा की स्वामी, 2, 6, 10 और 3, 7, 11 वायु तत्व की पश्चिम दिशा की। एक और डिवीजन इसमें आता जो होता है, जैसे हमारे पास रोग नहीं होते, वात पित्त कफ और त्रिदोष, हाँ जी, इससे हाँ जी, रोगों को पता कर चलने में आपको आसानी होगी। जैसे जितनी पूर्व दिशा की राशियां होती हैं वो पित्त प्रकृति की होगी पित्त प्रकृति। और पश्चिम की वात प्रकृति की, दक्षिण वाली। और पश्चिम में जाएंगे तो त्रिदोष होता है इनके पास। त्रिदोष का मतलब वात पित्त कफ, और ये कफ प्रधान होती है। ये जो डिवीजन है ये आपको अपनी स्मृति पटल पे रखना है। अब इसके बाद क्या समझ, इसमें समझना होता है, इसके बाद ये समझ हम आपको रखनी है कि इन राशियों के स्वामी क्या है। जैसे स्वामी तो कोई कोई ग्रह ही होगा राशि का स्वामी। मेष राशि का स्वामी मंगल है। जी और इस मंगल के पास एक और राशि है, वो है वृश्चिक राशि। और दूसरा वृश्चिक। वृश्चिक और मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया, और इसके बाद वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र है। सर शुक्र तुला का नगर दो दो, दो एक राशि का और है इसके तुला। पास राशि आ जाती है, तुला राशि। उसी तरह मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसके पास एक और राशि आती है कन्या। ये कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्रमा होता है, अच्छा और सिंह राशि का स्वामी सूर्य। चंद्रमा और सूर्य के पास सिर्फ एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, बाकी जितने हैं उन सब के पास दो दो राशियां हैं। अब इधर से देखिए तो राशियां बचती है 9 और 12 नंबर, इनका स्वामित्व तो गुरु के पास है, और 10 और 11 नंबर का स्वामी शनि के पास है। जी तो आप लोगों को राशि और उनके स्वामी ग्रह ये याद कर लेना चाहिए, कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है और किस राशि की प्रकृति क्या होती है। जब आप इतना कर लेंगे तो कुंडली के पहले चैप्टर में आप बड़े आसानी से प्रवेश कर सकते हैं कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। हमारे पास जो 12 राशियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के विषय में। जैसे उस व्यक्ति की राशि होगी बिल्कुल वैसा ही उस व्यक्ति का जीवन होगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। हमारे पास 12 राशियां हैं, और जब भी आप इनका अध्ययन करो तो इन राशियों को उनके नंबर्स के साथ याद करने का प्रयास करें। जैसे 1 नंबर वाली राशि मेष है, एक मेष। 2 नंबर वाली राशि वृषभ है, तीसरी राशि मिथुन है, चौथी राशि कर्क है, पांचवी राशि सिंह है, छठी राशि कन्या है, सातवीं राशि तुला है, आठवीं राशि वृश्चिक है, नौवीं राशि धनु है। तो इस तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो 10 और 11 नंबर जो है मकर और कुंभ है, और 12 नंबर मीन है। तो ये 12 राशियों को नंबर्स के साथ याद करते हैं। अब इसका हम करेंगे क्या उपयोग, देखिए ये हमारी जो क्लास है वो प्रिडिक्टिव क्लास है। हम ज्योतिष को कैसे प्रिडिक्शन में यूज करेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें होता क्या है, देखो जब भी आप देखेंगे तो आपको प्रिडिक्शन आएगा ही। आपकी समस्या कि आपको प्रिडिक्शन नहीं आता, हम क्या बताएं किसी को कुंडली खोलकर। तो कुंडली बनानी कैसे है ये बहुत आसान है जानना। कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो, आप लोग एक एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, डिटेल डालेंगे कुंडली बन जाएगी।
जैसे देखो, अगर हम चाहें किसी का चार्ट बनाना, तो उनको क्या करना है? ये स्क्रीन दिख रही सबको? शेयर नहीं हुए घर से। कुछ नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा शेयर हो रही है। हाँ दिख रहा है गुरु जी। अच्छा है? अब इसमें देखो, अगर आपको कुंडली बनानी हो तो क्या करेंगे? न्यू चार्ट करेंगे, व्यक्ति का नाम डालेंगे। आप में से कोई अपना नाम बताए। कोई नहीं बताएगा? चलिए मेरा ही डाल दूंगा। दीपक जी, अपनी डिटेल बताइए। दीपक जी, अपनी डिटेल बताइए। दीपक सर नेम दीपक सेन। और सर बर्थ अपना बर्थ डिटेल बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 सितंबर 1991। टाइम बताइए। इवनिंग 5:30, 17:30 मीन्स अप्रोक्स है ये, अभी कंफर्म तो पता नहीं। देखिए, इस तरह डिटेल डाल देंगे। अपना बर्थ प्लेस बताइए। अलवर, राजस्थान। उसके बाद होगा क्या, जैसे ही आप डिटेल डालेंगे सॉफ्टवेयर में, तो ये कुंडली बन जाएगी। अब सर इसमें सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ये तो एस्ट्रो से भी मैंने डाला है, आप लोग मोबाइल पे एस्ट्रो से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आता है। ठीक। मोबाइल पे एस्ट्रो से डाउनलोड कर लीजिए। है सर। हाँ, अब इसमें देखिए होगा क्या, ये लग्न कुंडली बन गई। ये है, इसको बोलते हैं लग्न कुंडली। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका प्रयोग करिए। मैंने आपको पढ़ाया है कि एक नंबर का मतलब मेष राशि होती है। ये जो हाउस होता है, ये पहला भाव है, फर्स्ट भाव। इसी भी कुंडली में ये वाला, ये पहला भाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, फर्स्ट हाउस। यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो देखिए आप, 11 नंबर लिखा है। अब 11 कुंभ। 11 नंबर जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या है? राशि कुंभ। ये कुंभ है। अब जो पहले हाउस में होता है उसको लग्न बोलते हैं। ध्यान से समझिए, वर्ड है लग्न या फिर असेंडेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। ये पहली बात समझनी है किसी भी कुंडली में, कि वो कुंडली किस लग्न की बन रही है। ये बात आप सबको समझ में आ रही है? कोई भी कुंडली खोलेंगे, सबसे पहले कुंडली का पहला भाव देखेंगे, उसमें जो नंबर लिखा है उसकी राशि का नाम बोल के कहेंगे, ये उस लग्न की कुंडली। तो ये एक पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे चंद्रमा, कि इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। अब ढूंढिए, देखिए मिला आपको चंद्रमा? आप सभी को मिल गया? चंद्रमा के बगल में 12 नंबर रखा। 12 नंबर किस मीन राशि का है? 12 नंबर बताता है मीन मीन राशि को। अब उसके बाद हम लोग चंद्रमा को ढूंढेंगे, और चंद्रमा जिस राशि में है वो व्यक्ति की राशि हो जाएगी। 12 नंबर है, 12 नंबर मीन हो गया। ये जो कुंडली बन रही है, ये कुंभ लग्न और मीन राशि की कुंडली बन रही है। ये है पहला स्टेप। पहले चार्ट बनाएंगे और क्या चेक करेंगे कि इस कुंडली का लग्न क्या है, राशि क्या है। और ये कैसे चेक करेंगे? जब आपको 1 से 12 नंबर जो मैंने आपको बताया है, अभी मैंने अभी भी बताया ना, 1 से 12 नंबर तक आप लोग देखिए,
एक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर मेष राशि को बताता है, दो नंबर वृषभ राशि को, तीन नंबर मिथुन को, चार कर्क को, पांच सिंह को। तो कुंडली खोलने के बाद हम देखेंगे कौन सा नंबर जो है चार्ट में आ रहा है। जैसे मान लीजिए दीपक जी का चार्ट था, एक नया हम खोलते हैं। ये किस लग्न की कुंडली बन रही है, ध्यान से देखिए। चैट बॉक्स में आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कर्कट लग चार नंबर, तो आप कहेंगे ये कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा को ढूंढिए कहाँ है, यहाँ यहाँ पे छह नंबर लिखा है। इस ये कुंडली कर्क लग्न और कन्या राशि। हो गया काम खत्म, का तो? आ रहा है आप लोगों को समझ में? जी गुरुजी। एक और कुंडली खोलते हैं, प्रैक्टिस करिए आप लोग। अब इस कुंडली का लग्न और राशि टाइप करिए आप लोग। धनु लग्न की, धनु लग्न के कुंभ राशि। देखिए यहाँ पे लिखा है नौ नंबर, नौ नंबर हो गया धनु, और चंद्रमा का है 11 नंबर। ये हमारी वृषभ राशि। ये फर्स्ट स्टेप है, किसी भी कुंडली को खोलेंगे तो पहले उसका लग्न और राशि हमें जाननी चाहिए, और यही हमें बतानी है कि ये इस लग्न की कुंडली बन रही है और इसकी राशि। आप लोगों के बात समझ में आ गई? सो आप लोग आज इसी का रिवीजन करिएगा, पार्ट टू आज नहीं होगा। आपको कुछ पूछना है तो अभी 10 मिनट बचा हुआ है, आप लोग इसी सत्र में पूछ सकते हैं। किसी कुछ पूछना है? आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट का समय पूछ सकते हो, जो मैंने आज पढ़ाया। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? सुदीप जी, आपको समझ में आया? जी गुरु जी। हाँ अंकिता जी, आप समझ पाई? हाँ समझ में आया, बस एक चीज पूछना था कि हाँ आपने जो मेष राशि का होता है अग्नि तत्व होता है, तो ये हम लोग राशि से देखेंगे या लगन से देखेंगे? फिर से पूछिए प्रश्न आपका। जैसे मेरा चंद्र, मेरा राशि है, मेरी राशि कुंभ है, तो इसका मतलब और आपका चंद्रमा जो है 11 नंबर के साथ, हाँ जहाँ चंद्रमा के बगल में देखिए, जहाँ जहाँ कुंडली लिखा होगा वहाँ 11 नंबर। नहीं, वो तो मैं समझ गई। जैसे आपने अग्नि पृथ्वी वायु तत्व का बताया ना, हाँ, तो वो लगन लगन पे हम लोग लगाएंगे, मतलब ये नियम लगन पे लगेगा या राशि पे लगेगा? ये जो है ना, ये सारे भावों के लिए है, सारी राशियों, अच्छा जितनी राशियां हैं सबका तत्व को ये डिपिक्ट करता है। इससे लग्न और राशि का कोई संबंध ठीक है। नहीं। हाँ सौरभ जी, आपको समझ में आया? सौरभ जी रिप्लाई सर, एक बार करिए। राशि और स्वामी रिपीट कर दीजिए। वो ना हम ग्रुप में डाल सर देते हैं। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मेरे पास लिंक अभी आया है, तो बहुत देर से ज्वाइन आज कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास थी क्या आज? हाँ, आज पहली क्लास थी एक्चुअली। सुनीता जी, आप किस नाम से ऐड हुई हैं? हाँ जी बनिए। आप कौन से नाम से ऐड हुई हैं, दिख नहीं रहा मुझे। iPhone 13 रहेगा मेरा, हाँ, iPhone 30 है, बोलिए। वो क्या कैसे? मैं बेसिक ज्वाइन करी थी, ये तो बेसिक ही है। नहीं मैंने अभी खोला है ये। आपको मैंने, आप एक ग्रुप बनाया था प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी बेसिक प्रोफेशनल का, उसमें ये लिंक मैंने भेजा था 2 घंटे पहले। प्रोफेशनल प्रोफेशनल
बेसिक प्रोफेशनल 22। बेसिक प्रोफे मेरे पास नहीं आया ये, क्यों नहीं आया आपके पास? बेसिक प्रोफेशनल नहीं आया ये वाला ग्रुप तो। एक मिनट चेक करती अब हूँ, कौन से ग्रुप से ज्वाइन किए? एक मिनट में चेक बोलती हूँ आप, एक मिनट। मैं गया नहीं अभी है। अच्छा ये नहीं गया भाई, नहीं एस्ट्रोलॉजी, पकड़ा। एस्ट्रोलॉजी लर्निंग ग्रुप कते? हाँ वो तो कॉमन ग्रुप उसी में आया है। अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग ग्रुप कॉमन ग्रुप है, मैंने आपको ऐड कर रखा है बेसिक प्रोफेशनल। बेसिक ग्रुप में, अच्छा हाँ ठीक है। ये कैसे देखना है गुरुजी? उसी में जो लिंक आएगा उसको टच करेंगे तो आप में जुड़ जाएंगे, तो ग्रुप में हम सबको पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ाएंगे। नहीं लगन कैसा देखते हैं? हाँ जी, लगन कैसे लगन देखते हैं? लगन के आप कब ज्वाइन किए हैं? मैं अभी बस 5 मिनट हुई ज्वाइन होके। अच्छा अच्छा तो हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। अभी क्या करना है, परेशान नहीं होना है, हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा आप लोग जल्दी जल्दी मत भागिए कि लग्न इम्पोर्टेंट क्या है कि राशि पर, हम सारे विषय को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। पहला स्टेप सीखिए कि कुंडली के पहले भाव में जो नंबर लिखा होता है वही व्यक्ति का लग्न होता है। पूरी कुंडली में चंद्रमा जहाँ कुंडली, होता है वही व्यक्ति की राशि होती है। एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं के प्रभाव का अध्ययन हमें करना है चतुष्टय। बस इतना ही है। और कौन है? डॉक्टर देवराज पाल चौधरी जी, आपको समझ में आया? जनरली हमारी क्लास में 2 सत्र, 40 मिनट के सत्र में हम पढ़ाते हैं, 20 मिनट के सत्र में हम बात करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि एक व्यक्ति जो है जितना क्यूरियस होगा उसका जीवन भी उतना अच्छा चलेगा। तो बिन इज क्यूरियोसिटी, तो आप लोग कक्षा में पढ़िए, समझ में नहीं आया तो परेशान मत होइएगा, हम सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करने का प्रयास करते हैं। किसी का एक चैट था। दूसरा, हम लोग प्रार्थना करते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए, तो आज की प्रार्थना आप में से जो लोग चाहेंगे उसके लिए करने के लिए कर दी जाएगी। कमर सीधी करके बैठिए आप लोग, नेत्रों को बंद कर लीजिए, ध्यान आगे चक्र पे लगाइए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ओम स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना शर्यो अरिष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिषे पयोधा पयस्वती प्रदीश संतु मह्यम। ओम विष्णुरराठमतिष्णुसप्तृष्णो चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता वरुणो देवता। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथिवी शांतिराप शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति 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 ओम शांति। अब अगली कक्षा जो हम लोगों की होगी मंडे।